एक्सरसाइज 48 का क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे है। तो 2 में यहाँ पे कन्वर्ट करने के लिए कह रहा है कॉमन फ्रैक्शन इनटू डेसिमल नंबर। यहाँ पे फ्रैक्शन दिया हुआ है और इसको डेसिमल में बनाना है, मतलब यहाँ वन नंबर में डेसिमल दिया हुआ था और इसका फ्रैक्शन बनाना था। यहाँ पे ठीक इसका उल्टा करना है, जैसे कि इसको इस तरह से बनाना है और इसको जो है 2 नंबर को इस तरह से बनाना है। तो आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर IJKL। तो ये जो है 2 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है, 2 नंबर। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको जो है इसमें ज़्यादा मिक्स फ्रैक्शन दिया हुआ है, तो मिक्स फ्रैक्शन को हम लोग अक्सर सीधा करते हैं, वैसा भी कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग एक दूसरा उपाय लगाते हैं ताकि इजी हो जाए बनाने में। हम लोग क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे 25 जा कितना हुआ 125, ये हो गया 125, ठीक है। ये 125 पे एक जीरो लगेगा, ये एक जीरो लग गया, प्लस हो जाएगा 49 बाय 50 हो जाएगा। अब इसको यहाँ पे ऐड कर देते हैं तो क्या मिल जाता है, 1299, ये मिला 1299 बाय 50। अब इसको हम डिवाइड करते हैं तो इसका आंसर आ जाएगा, लेकिन ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस हो जाएगा। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसको नहीं लेंगे, तो हम क्या करेंगे, 25 जो पहले से दिया हुआ है उसको रहने देंगे और इसको डिवाइड करते हैं इसको, और जो इसमें नंबर आएगा तो 25 के बाद पॉइंट देकर हम इसको बैठा देंगे, तो इससे क्या होगा, हमारा आंसर मिल जाएगा। तो हम क्या करते हैं, 50 डिवाइड 49, तो इसमें थोड़ा सा जगह रखते हैं। अब हमेशा याद रखें कि जब भी मिक्स फ्रैक्शन आपको मिलेगा तो ऊपर में छोटा ही रहेगा, इससे छोटा रहेगा ऊपर में, तो उस हिसाब से हम लोग इसको बनाएंगे। तो क्या बनता है, यहाँ पे सबसे पहले ये छोटा है तो इसका मतलब है कि जीरो पॉइंट देंगे और यहाँ पे एक जीरो लगाएंगे। अब यहाँ पे 5 का टेबल पढ़ के हम इसको पता कर सकते हैं, 5 9 जा 45 होता है, तो 5 9 जा 9 बार में जाएगा 45, ये 45 लिए और जीरो यहाँ पे आके बैठ जाएगा। अब ये जीरो यहाँ गया और यहाँ पे 4 हो गया, कट गया ये, तो एक जीरो हम इस पर लगाएंगे क्योंकि पॉइंट लगा हुआ है, तो 5 8 जा 5 8 जा 40 40 होता है, तो एक जीरो इस पर लगेगा, तो ये कम्प्लीटली कट गया, तो 0.98। इसका मतलब इसका आंसर कितना हो गया, 25 ऑलरेडी मेरे पास पहले से है, ठीक है, ये जो पहले से दिया हुआ है ये पहले से रहेगा, तो इसका इसका जो है आंसर हो जाएगा 25.98, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट लेते हैं उसी तरह से, जे नंबर में ऑलरेडी पहले से सीधा है तो इसको हम सिर्फ डिवाइड दे लेते हैं, 250 को 111, तो ये छोटा है इसमें जगह रखेंगे, जीरो पॉइंट लगाएंगे फिर एक जीरो लगेगा, तो इसमें 25 4 जा 100 होता है और यहाँ पे 111 आ रहा है, 3 डिजिट में जाएगा तो उस पर एक जीरो लगा देंगे, तो 25 4 जा 100 हो गया, ये 100 और एक जीरो लगा हुआ है तो एक जीरो इस पर लगा दिया, 1000 हो गया, ये 0 1 1 और ये कट गया, फिर इस पर एक जीरो लगा देंगे, एक जीरो और फिर उतने ही बार में जाएगा क्योंकि 110 यहाँ पे है, तो 100 आएगा, तो 100 पे एक जीरो लगाएंगे, 1000 हो गया। अब यहाँ पे 0 0 फिर 1 और ये कट गया, अब फिर इस पर एक जीरो लगाएंगे, तो 4 बार में 1000 आ रहा है, तो 4 बार में 1000 ये आएगा इतना, तो ये कम्प्लीटली यहाँ पे कट गया, तो इसका आंसर कितना आया, 0.444, तो यहाँ पे इसका आंसर आ गया 0.444, ये इसका आंसर हो गया। तो जब हम क्वेश्चन बनाएंगे तो इसको आपको लिख के बना के दिखा देना है, वहाँ यहाँ पर मैं मिटा दे रहा हूँ क्योंकि जगह का प्रॉब्लम हो रहा है। अब नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन नंबर K में, देख रहे हैं मिक्स फ्रैक्शन में है तो हमको इसको कुछ नहीं करना है, इसको हम ऑलरेडी रखेंगे और इसको सिर्फ डिवाइड करना है, इसको पॉइंट में जो आएगा उसको निकाल लेना है। तो यहाँ पे हम निकालते हैं 35 डिवाइड 7 दे देते हैं, 7 तो ऑलरेडी इससे छोटा है इसीलिए हम जीरो पॉइंट लगाते हैं, इस पर एक जीरो आ जाएगा, 35 2 जा 70 हम लोग जानते हैं, तो 2 बार में ये आता है 70, ठीक है, ये कट गया एक ही बार में, तो इसका मतलब है कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, मेरे पास पहले से 39 है, पॉइंट दिए और ये पॉइंट के बाद 2 जो है उसको यहाँ पे लगा दिए, तो ये इसका आंसर हो गया। अब उसी तरह से इसको भी वही करना है, तो 18 जो है पहले से मेरे पास है ही, तो हम 24 से 3 को डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे 24 से कर लेते हैं, 24 डिवाइड 3, तो यहाँ पे जगह रखते हैं, जीरो पॉइंट लगाएंगे तो एक जीरो आएगा और यहाँ पे 1 बार में ही जाएगा, 24 2 जा 48 हो जाता है, तो 1 बार में जाएगा 24, कितना बच गया 6, यहाँ पे कट गया तो एक जीरो लगेगा, तो 24 2 जा 48 2 बार में, तो यहाँ पे हो गया 48 हो गया, ठीक है 48, तो यहाँ पे हो गया 10 8 2 हो गया और यहाँ पे 1 हो गया 12। अब यहाँ पे 0 आएगा
तो 24 फोर फाइव जा जो है 120 होता है, तो 5 बार में देते हैं तो 120 कम्प्लीटली ये यहाँ पे कट गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम 18 लिखेंगे और पॉइंट देंगे, तो पॉइंट के बाद 125 है, 125, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम लोग आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक्सरसाइज 48 पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो हेल्पफुल होता है तो आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, और इस तरह से और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज को हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे सॉल्व करते हैं।